एकदम एकेडमिक करियर था मेरा, पढ़ाई के क्षेत्र में था, उसके बाद सरकारी सेवा के क्षेत्र में आया और भविष्य पूरा सिक्योर था, कहीं कोई उसमें शंका की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी और सीनियर क्लास वन गस्टेड अफसर की रैंक में था और नौकरी में रहने के दौरान, शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैंने जो जनता के बीच में महसूस किया कि भारत में आर्थिक रूप से बदहाली है और लोगों को खाने की ज़रूरतें जो है वही पूरा नहीं हो पा रही हैं। साथियों, जनता के इन्हीं कष्ट, इन्हीं दर्द को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि समाज के एक बड़े वर्ग की भलाई के लिए मुझे सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे करके समाज की सेवा में आना चाहिए और समाज की सेवा करने के लिए अधिकार की ज़रूरत होती है और अधिकार राजनीति से ही मिलता है, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़िले में अन्य विभिन्न तरह की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, औद्योगिक उपक्रम स्थापित हों और इसके साथ ही जो स्कूल है, कॉलेजेस है और टेक्निकल एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हो ताकि यहाँ के नौजवान बेहतर शिक्षा पा करके बेहतर रोज़गार पा सकें। देखिए, बेहतर शिक्षा ये अल्पसंख्यक बाहुल्य ज़िला है और अल्पसंख्यक बाहुल्य ज़िलों में केंद्र सरकार के पास विशेष निधियाँ होती हैं जो अल्पसंख्यकों के बीच में स्कूल कॉलेज खोलने के काम आती हैं और मैं प्रयास करके ऐसी निधियों के माध्यम से अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में स्कूल और कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा, टेक्निकल एजुकेशन दिलाने के लिए टेक्निकल कॉलेजेस स्थापित करने का प्रयास करूंगा और इसके साथ ही जो शिक्षा का स्तर है बहराइच ज़िले में प्रदेश में सबसे नीचे है और इसका ध्यान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आकृष्ट कराते हुए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए, सभी को बिजली और सभी को सड़कें, ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहराइच पिछड़ा ज़िला है और पिछड़े ज़िले के नाम पे यहां अतिरिक्त धन मुहैया करा के सड़कों को अच्छा किया जाए और बिजली हर गांव में पहुंचाई जाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो एजुकेशन है जो महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय खोले जाएं, महिला कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाए और इसके साथ ही जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी भी जो इंस्टीट्यूट्स है उसके इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए और इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था के नाम पे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जो होता है उसमें उनको विशेष रूप से न्याय दिलाने का मैं काम करूँगा ताकि महिला सशक्त हो सकें और उन्नति कर सकें। कुछ वादे हैं जो तुरंत ही हो सकते हैं। पहली बात तो जनता के अंदर विश्वास जगाना और उनको मनोबल बढ़ाना, ये महीना दो महीने का काम है। जब हर जगह मेरी उपस्थिति होगी तो आम गरीब जनता जो विभिन्न तरह के अन्याय से त्रस्त है अपने आप उनका मनोबल बढ़ेगा और अन्याय से जब लड़ने लगेंगे तो अन्याय करने वाले भी अपने आप विचार करके अन्याय भी बंद कर देंगे। देखिए, मैं सरकारी सेवा में था और मेरा कोई इरादा राजनीति का नहीं था, लेकिन जो जनता के दर्द और कष्ट थे उसको देखते हुए 23 साल की मेरी सरकारी सेवा बची हुई थी जब मैं राजनीति में आया हूँ, उसको मैंने त्यागा है और बहुसंख्यक जनता ये नहीं जानती है कि राजनीति में आए हैं तो इसके पीछे सामाजिक जो भलाई का उद्देश्य है वो है।